तो मार्केट बनती है और ट्रिनिटी वाली मार्केट भी दिन ब दिन जो मैं देख रहा हूँ कि वो तो यहाँ की मार्केट से एक क्लब ले लेते हैं। तो ये मार्केट में घूम रहे हैं और रश इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत हैवी स्मेल था जो यहाँ पे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मौसम देख रहे हैं आप, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मौसम है, बहुत शानदार। और यहाँ पर जो है हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हुई थी सुबह। बारिश तो इस तरह ख़ास नहीं हुई थी, बारिश बस ऐसी हुई थी कि दरमियानी, जिसको कह सकते हैं फुहार। और इस वक्त जो बारिश का अलर्ट है वो बहुत ज़्यादा सख्त जारी किया गया है, क्योंकि बारिश का तो बार बार ही अलर्ट जारी किया जा रहा है। स्कूल की छुट्टियां भी हो गई थी बच्चों की, तो तब भी बारिश ऐसी नहीं हुई जिस तरह की बारिश होनी थी। तो मजदूर भाई बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सभी काम पर जाने का, रोजी पर जाने का। तो इस वक्त हमने नाज़ाबाद से शुरू किया सफ़र, गोलीबार चुरंगी से शुरू किया सफ़र हमने अपना। और आगे चलेंगे लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ, जिसको कहते हैं चूना डिपो वाला रोड जो है ना, और यहाँ पर नर्सरी बनी हुई है। अच्छा, एक भाई ने मेरे कमेंट किया कि आपने दरख्तों की वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने बिल्कुल बनाई थी और शायद किसी को उससे फ़ायदा भी हुआ हो और किसी ने सोचा भी हुआ कि भाई पौधे लगाए जाएँ। तो ज़रूर लगाइए पौधे, और इनकी अशद ज़रूरत है, हमें तो है ही है। और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, उनको शदीद ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो इस वक्त लियाकताबाद की तरफ जा रहे हैं और साइड में आप देख रहे हैं कि ये पार्किंग हुई है और ये रोज़ का ही है। और रास्ता देंगे पीछे से कोई आ रहा है। साथ ही साथ बताता चलूँ कि लियाकताबाद सुपर मार्केट का थाना इसी रोड पर हुआ करता था। और यार ये जो रॉन्ग आ रहे हैं ना यार, इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और काफ़ी सारी दुकानें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटो रिक्शा की कोई मार्केट शार्केट है ये। और फरंगी जैसे एरिया से ज़्यादा मिलता जुलता इलाका लग रहा है। और इस तरफ था चूना डिपो और साथ ही साथ एक और रास्ता दिख रहा है मुझे, जैसे ये आ रहे हैं ना रक्षा वाले आ रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, कितना ही खतरनाक, कितना खतरनाक ये सीन बना हुआ है। अगर रॉन्ग आने वाला ज़रा सा डिसबैलेंस होगा तो सीधा अंदर जाएगा और ये बहुत बड़ा सा नाला है, बहुत ही खतरनाक है भाई, बहुत ही खतरनाक है। और नाली के अंदर जो है ना इस वक्त मिट्टी भरी हुई है, नाले को पता नहीं छोटा किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है। और साथ साथ यहाँ पर हुई थी इंक्रोचमेंट और उस तरफ जो है चूना डिपो हुआ करता था इसी जमाने में। और रॉन्ग ऐसे आ रहा है कि जस्ट किसी ने यही कहा हो कि इस रोड से ना आपको रॉन्ग ही गुजरना है। तो साथ ही साथ मस्जिद आ गई और मस्जिद के साथ ही थाना, सुपरमार्केट थाना। तो अब एक क्लिप यहाँ से भी ले लेते हैं दोस्तों, एंक्रोचमेंट के बाद यहाँ पर क्या हुआ है। और नाले के साथ जो इलाके बने होते हैं तो तकरीबन सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। तो ये इलाके भी उसी तरह के लग रहे हैं जैसे कि हम केबीआर की तरफ घूमते हैं। और बड़ी पतली गलियां और यहाँ पर भाई अच्छी खासी तोड़फोड़ की गई थी और ये नई ईंटों से लगाकर बनाया गया है।
और आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ी एंक्रोचमेंट की गई थी यहाँ पर। और पेनाफ्लेक्स बांध के भी लोग रह रहे हैं भाई, किस तरह से रह सकते हैं आप। और बारिश में क्या सूरत हाल होगी होगी, मैं सोच रहा हूँ कि ये घर जो है अभी कितने खतरनाक हो गए होंगे। जब इन पे शावल ने काम किया होगा, जब तोड़ा होगा तो क्रैक्स वगैरह पड़ गए होंगे। और चलिए दूसरी पट्टी दिखाता हूँ साथ ही आपको, अगर यहाँ से जाने की जगह है तो। और ये नीचे एरिया है पूरा, बारिश के अंदर तो फुल भर जाता होगा। तो दोस्तों अब हम थोड़ा पीछे की तरफ निकलेंगे, तो नाले के बड़े खतरनाक मनाजिर लग रहे हैं यहाँ से। बड़े बड़े जो पाइप गुजर रहे हैं ना, उसका खौफ आ रहा है। और अब जब यहाँ इस एरिया में बारिश होगी और थोड़े बोसीदा जो मकान मुझे दिख रहे हैं और उसके अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं या किसी के जानने वाले हैं, तो वही इसे बिल्कुल भी हल्का ना लीजिएगा। और ये घर बना लिया गया है दोबारा से, बिल्कुल भी हल्का ना लीजिएगा भाई। अगर जब ये कोई हादसा वगैरह पेश आएगा तो उसमें कोई नुकसानात ज़्यादा होने के भी इम्कान होते हैं। तो सामने ही चूना डिपो हुआ करता था दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ लेफ्ट साइड की जानेब, तो आप देख सकते हैं ये लियाकतबाद सुपरमार्केट का थाना हुआ करता था। और यहाँ पे कुछ मार्केट है, और ये तो ये है मेरा कराची। लियाकतबाद की तरफ जा रहे हैं अब हम। सिर्फ रोडों पर पार्किंग और गंदगी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो कभी कभी झूठ बोलने का दिल नहीं चाह रहा होता कभी कि लाएं कुछ बना के बात खुले, लेकिन हर दफ़ा मैं आपको साफ और शफाफ ही मनाजिर दिखाता हूँ कि भाई जो कराची का हाल है वो किस तरह से हो रहा है। और बेहाल हुआ हुआ है कराची, कोई पूछने वाला नहीं कराची का, तो कैसे सुधरेगा कराची भाई। और आज जुमे का दिन है, और जुमे के दिन में आपको पता है कि मार्केट्स जो हैं ज़्यादा नहीं खुलती हैं, बंद रहती हैं। और कुछ मार्केट्स जो हैं नमाज के बाद ओपन हो जाती हैं। और ये यहाँ पर इंजन वगैरह कोई कार के स्पेयर पार्ट्स वगैरह की दुकानें भी मौजूद हैं, बॉडी पार्ट्स वगैरह की भी दुकानें मौजूद हैं। ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ इस एरिया में ऑटो वगैरह की दुकानें बहुत हैं। और मौसम जो है ऐसे हमें सिग्नल दे रहा है जैसे कि बस अभी बारिश होने वाली है। तो इस रोड पर कुछ फुहार वगैरह पड़ी है स्कूल की ट्रैक से लगी है। तो वापस आते हैं अपनी बात पर, इस रोड पर जो है फुहार वगैरह हुई है और उससे ये रोड अभी तक गीले हैं, और उससे खास गीले नहीं है, हल्की फुहार हुई थी। ले लीजिए, ये तो मार्केट बनती है, और ट्रिनिटी वाली मार्केट भी दिन ब दिन जो मैं देख रहा हूँ कि वो सड़क को पीछे ढकेला जा रहा है और खुद आगे चले आ रहे हैं। और ये भी तकरीबन आधे ही रोड पर है, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल आधे ही रोड पर मौजूद हैं। बिल्कुल पक्का काम किया हुआ है,
और मजाल नहीं है कि कोई आगे ने हटा जाए। साथ ही साथ मेन रोड की कचरा कुंडी खत्म की जा रही है, हर दो दिन बाद इस तरह का काम होता है लेकिन असर नहीं होता है, असर किसी को नहीं होता है। तो यहाँ की मार्केट से एक क्लिप ले लेते हैं। माशाल्लाह फिश कटक कट, तो यहाँ की फिश कटक कट जो है बहुत मशहूर है और बहुत पुरानी यहाँ की ये फिश कटक कट है। तो आज जुमे के दिन का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट में घूम रहे हैं और रश इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि नमाज के बाद ही जो है ऑन होनी है दुकानें। और ये मार्केट एक छोटी सी और घरों के नीचे जो दुकानें बनी होती हैं ये उसी के अंदर एक मार्केट बन गई है, पूरी मार्केट सी बन गई है। हर घर और फ्लैट के नीचे जो दुकानें बनी हुई हैं और कमर्शलाइज हो चुका है ये पूरा एरिया। गोश्त जो है 550 रुपये, चिकन चल रहा है भाई 550 रुपये। और इधर चलना तो भाई पैदल बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारी चिकनी मिट्टी जैसा जो एक कीचड़ जमा हो चुका है। और यहाँ पर कोई जानवर ज़िबा किया है यार, इतनी स्मेल आ रही है कि यहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा है भाई। अच्छा यहाँ से मार्केट से निकलने के बाद आप जब ज़रा सा रॉन्ग लेंगे तो आपको नीचे कट मिलेगा, लेकिन हम रॉन्ग नहीं लेना चाहते। बैकदाबाद सुपर मार्केट के साथ ही जुड़ी हुई लालू खेत मार्केट है और इस वक्त जो मैं आपको रोड की कंडीशन दिखा रहा हूँ ना, ये वही जगह है जहाँ पर हमने कुछ दिन पहले बारिश को कवर किया था। बारिश एक बहुत हैवी स्पेल था जो यहाँ पर बरस के गया था, उसके बाद यहाँ भर चुका था, पूरी दुकानें तबाह हो चुकी थी। और आज मैं फिर देख रहा हूँ कि आधे रोड पर जो है पार्किंग हुई हुई है और पार्किंग के साथ ही साथ ठिये भी मौजूद हैं। दोस्तों पार्किंग जो है ना कराची का सबसे मुनाफा बख्श बिजनेस बनता जा रहा है, बहुत मुनाफा है इस बिजनेस के अंदर। जो जिसका ठेका है वो तो चले ठीक है जिसका ठेका है, लेकिन जो खड़ा होने वाला है ना पर्चियां काट रहा है तो कभी 10 रुपए ले रहा है तो कभी 20 रुपए ले रहा है और कभी कभी तो 30 रुपए भी चल रहे हैं भाई। और कहीं कहीं किन डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट पैसे लगाए हुए हैं। लियाकताबाद ब्रिज आ चुका है दोस्तों,
गंगरेज का पानी यहाँ भी जमा है। ये देखिए ये 4-8 बंदों से क्या होगा, ये कैसे संभाल लेंगे ये पूरा कराची। वेलकम टू लियाकतबाद टाउन। और क्या मिल रहा है, चारपाइयां मिल रही हैं क्या? दोस्तों यहाँ मिल रही हैं चारपाइयां, रेट पता कर लेते हैं। ये कितने की है वाली चारपाई? कितने की है? 6,000 रुपए की। और इससे बड़ा साइज वो वाला है? इससे बड़ा साइज कितने का पड़ेगा? 8,000 का पड़ेगा। इससे बड़ा साइज है जनाब 8,000 रुपये का पड़ेगा आपको, और छोटा पड़ेगा 6,000 रुपये का। ये देखिए पार्किंग पार्किंग कर ली है, पूरा रोड जैम होता है तो होने दो, पानी भरता है तो भरने दो, बिजली जाती है तो जाने दो। अच्छा बच्चों का खेल भी हुआ करता था झूले वाले, जोर से खाना पीना छोड़ दे, जो होता है वो होने दो। मतलब क्या, मैं तो भूल भी गया। और भी यहाँ पर काफर खाना बना हुआ है यातावात पुल के नीचे, और जो जहाँ से आ सकता है वहाँ से आए, जिसकी जो मर्जी चाहे वो करे, ट्रैफिक के कोई कानून नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ बड़ी तादाद में रक्षाओं की भी पार्किंग हुई है, और ला तादाद यहाँ पर रक्षा हो चुके हैं कराची में इस वक्त। हर कदम के साथ आपको रक्षे मिलेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी मौसम के साथ साथ कुछ इलाके की भी अपडेट देते चले। हमने सोचा लियाकतबाद से और लियाकतबाद टाउन में हल्का सा सफ़र किया है और बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, और देखकर आप भी समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई जगह पे, एक नए टॉपिक के साथ और नई बहस पे ऊपर। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और साथ साथ एक मैसेज, एक छोटा सा काम आप लोगों के लिए, जहाँ बारिश हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कर दिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।